दोस्तों आप लोग ने महाभारत, कृष्ण लीला जैसे कई सीरियल देख चुके होंगे, लेकिन उसी में से मैं आप लोगों को एक ऐसे कृष्ण लीला के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि उसी तरह का मैं एक वीडियो आपको आज बताने जा रहा हूँ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के बारे में। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने कितनी शादी की थी, उनकी पत्नियाँ कौन कौन थी और क्यों इतनी पत्नियों से उनको शादी करना पड़ा था, जानिए दोस्तों पूरी वीडियो में। और ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर इतनी ज्यादा बीवियों से शादी करने का असली वजह क्या था। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। आखिर की भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है, उनकी लीलाओं का अंत नहीं है दोस्तों, ये सभी तो आप जानते ही हैं। लेकिन अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के जरिए सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञानगंज में भगवान श्री राम और कृष्ण आज मानव रूप में उपस्थित है। धार्मिक ग्रंथों में भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार रूप से है। इसमें एक लीला नरकासुर वध का है। असुर नरकासुर के चलते भगवान श्री कृष्ण को 16,000 नारियों संग विवाह करना पड़ा था। इसके लिए आज भी धार्मिक प्रसंगों में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों की कथा सुनाई जाती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियों के बारे में। यानी कि सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। इसके नाम है रुक्मणी, जमवंती, सत्यभामा, कालिंदिनी, मित्रविंदा, सत्या, भ्रता और लक्ष्मणा थी। इसके अलावा उन्होंने 16,000 से अधिक कन्याओं संग विवाह की थी। हालांकि उन्होंने 16,000 कन्याओं संग केवल विवाह किया था किंतु अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। वही 16,000 कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया था। इसके बावजूद वे सभी द्वारिका में भगवान की भक्ति का जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन कहा यह जाता है कि एक बार नरकासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था और उसके आतंक से स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गई थी। सत्ता छीनने के डर से स्वर्ग नरेश इंद्र भगवान के शरण में गए और उनसे स्वर्ग की रक्षा करने का अनुरोध किए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया था कि नरकासुर का अंत निकट है। वहीं दूसरी तरफ नरकासुर अमरता का वरदान प्राप्ति के लिए 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर एक कारागार में डाल रखा था। कालांतर में भगवान ने 16,000 कन्याओं को नरकासुर के कारागार से मुक्ति कराया, जबकि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता है। उस समय सत्यभामा की मदद से कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था। वहीं 16,000 कन्या समान से कलंक से बचने के लिए भगवान को ही अपना पति मान लिए। तब भगवान 16,000 रूप प्रकट होकर उन सभी कन्याओं से विवाह किए थे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या भगवान श्री कृष्ण सच में इतनी शादियां किए थे कि नहीं, आप हमें कमेंट में बताएं। और यदि भगवान श्री कृष्ण को आप सच्चे दिल से चाहते हैं और उनको पसंद करते हैं तो भगवान कृष्ण के नाम पर जय श्री कृष्ण कमेंट में जरूर लिखें। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को कितने लोग पसंद करते हैं और कमेंट में जय श्री कृष्ण कितने लोग लिखते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।